भारत तक अब नए अंदाज में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। ओसामा और बगदादी का शिकार करने के बाद अब बेल्जियन मेलनोइस जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म यूनिट को रविवार को ये शिकारी कुत्ते बेल्जियन मेलनोइस जो है वो मिल गए हैं और कुत्तों की इस नस्ल को शहरी इलाके में चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान इनकी आक्रामकता, सहन शक्ति, काटने के काम, बुद्धिमत्ता और जासूसी के लिए जाना जाता है। ये खास तरह के बेल्जियन मेलनोइस जो हैं दुनिया भर में अपने कारनामों के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना के आर्मी में ये शामिल हो गए हैं और ये कुत्तों की सबसे अच्छी नस्लों में से एक है। ये सुरक्षा ऑपरेशन में सेना की मदद करते हैं। इसकी जानकारी भारतीय सेना ने अपने खुद एक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके दी है। इसमें ट्रेंड बेल्जियन मेलनोइस को एक सैनिक के ऑर्डर के बाद फुर्ती से तालाब पार करते हुए दिखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो में बड़ा ही अच्छा समन्वय जो है सैनिक और इस डॉग के बीच में देखने को मिल रहा है। जब सैनिक ऑर्डर देता है तब जाकर ये तालाब बहुत फुर्ती से पार करता है और टारगेट की तरफ बढ़ता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में सैनिकों की पसंदीदा नस्ल है बेल्जियन मेलनोइस और अपनी असाधारण चतुराई, स्मार्ट दिमाग और अद्भुत सहन शक्ति के लिए ये बहुत मशहूर है। एक्चुअली इनका जो क्विक रिएक्शन टाइम होता है वो आम कुत्तों से ज्यादा होता है। दुनिया भर की सेनाओं में इसका इस्तेमाल होता है और अमेरिकी सेना भी दुश्मन के खात्मे के लिए इन्हीं कुत्ते का इस्तेमाल करती है। यही नहीं, वे अपने देश में दो बड़े ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें एक बार उन्होंने बगदादी के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और साल 2011 में ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि ये बहुत ही कमाल के होते हैं। अपने छोटे शरीर के कारण ये कुत्ते जर्मन शेफर्ड के विपरीत पैरा शूटिंग और विमानों से तेजी से बाहर निकलने में काफी आसानी से निकल सकते हैं। इसके अलावा भारत में नक्सल विरोधी अभियानों में इनका इस्तेमाल होता आया है और सीआरपीएफ ने सबसे पहले इनका इस्तेमाल शुरू किया था। बाद में दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस एजेंसियां जैसे आईटीबीपी और एनएसजी ने भी इन कुत्तों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि मौजूदा समय में दुनिया भर की सेनाएं इस नस्ल के कुत्तों को बहुत इस्तेमाल करती है। खासकर अमेरिकी सेना इन कुत्तों का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। और आपको बता दें कि एबटाबाद में जब ऑपरेशन हुआ था ओसामा बिन लादेन का, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तब इन्होंने बगदादी को अंधेरी सुरंगों में दौड़ाया था। बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेल्जियन मेलनोइस की फोटो अपने ट्विटर पर पोस्ट की थी। आपको बता दें कि जर्मन शेफर्ड के मुकाबले ये ब्रीड पैराशूट फ्लाइट के लिए बेहतर मानी जाती है। इनके छोटे ढांचे की वजह से इन्हें सुरंग और गलियों में आसानी से घुसने और निकलने की क्षमता होती है और इन्हीं खूबियों की वजह से भारत के कुछ अर्धसैनिक बल इन्हें अपने खर्च से खरीद चुके हैं। सबसे पहले सीआरपीएफ ने इनका इस्तेमाल किया नक्सल विरोधी अभियानों में, बाद में बाकी जो पैरा फोर्सेस हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब ये भारतीय सेना का हिस्सा है।